कोरोना साइड इफेक्ट से बचने बच्चों ने लिया योग का सहारा। बीएसपी ग्राउंड में 20,000 से अधिक बच्चों ने किया 108 बार सूर्य नमस्कार। भिलाई में कोरोना काल में शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत का शिकार हुए शहर के 20,000 से अधिक बच्चों ने योग का सहारा लिया है। ये सभी बच्चे शुक्रवार सुबह बीएसपी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रशिक्षकों के बताए अनुसार 108 बार सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान बच्चों को जागरूक किया गया कि योग बड़ी से बड़ी बीमारी को हराने में सक्षम है। श्री रविशंकर महाराज की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की भिलाई इकाई के द्वारा शुक्रवार को जयंती स्टेडियम के बगल में योगाथान का आयोजन किया गया था। इस योगाथान में 23 स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया था। संस्था ने 21,000 बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए सभी 23 स्कूल प्रबंधन से बात की गई थी। सुबह 8 बजे से ही स्कूलों के बच्चे मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे। 9:30 बजे तक 20,000 से अधिक बच्चे पहुंच गए थे। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी बच्चों को अलग अलग कतार में खड़ा कर दिया गया। इन बच्चों ने एक लैब में प्रशिक्षण के निर्देश पर 108 बार सूर्य नमस्कार किया। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि संस्था आगे भी इस तरह के आयोजन करती रहेगी। कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, महापौर नीरज पाल, भिलाई नगर आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।